दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम को जबरदस्त टीम मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए चौथे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से बड़ा ही शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। टीम की शानदार जीत को देखकर सभी प्रशंसकों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यहाँ तक कि कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ जीत के जश्न में नागिन डांस करने लगे। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको इनके नागिन डांस के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में से कौन जबरदस्त टीम है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये चौथा टेस्ट मुकाबला बड़ा ही शानदार रहा। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में हर एक विभाग में बड़े जबरदस्त प्रदर्शन करके इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ा दिए। पहले तो भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने विपक्षी टीम के गेंदबाजों की जमकर पिटाई लगाई। वहीं इसके बाद भारतीय टीम के गेंदबाजों ने अपने आग उगलती हुई गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम के घोड़े खोल दिए। दोस्तों, बता दें भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था। जहां ऊपरी क्रम के बल्लेबाज पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए, वहीं मध्य क्रम के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने एक जबरदस्त पारी खेलकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में बनाए रखा था। वहीं इनके बाद भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने ऐसा कमाल करके दिखाया जिसको देखने के बाद तो इंग्लैंड का हर एक खिलाड़ी आश्चर्यचकित रह गया। बता दें भारतीय टीम के निचले क्रम के बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने इतने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया जिसके बाद तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों सिर्फ शानदार गेंदबाज ही नहीं बल्कि बल्लेबाज भी काफी शानदार हैं। अगर इन दोनों ने बल्लेबाजी करके एक बार फिर गेंद पर अपनी आंखें जमा ली तो फिर इन विपक्षी टीम के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देंगे। इस मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने बड़ी शानदार बल्लेबाजी करके अर्धशतक की पारी खेली जो कि भारतीय टीम की ओर से सबसे सर्वाधिक स्कोर था और भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने 368 रनों का लक्ष्य रखा था जो कि इंग्लैंड की टीम के लिए हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जैसे भारतीय टीम के गेंदबाज मैदान पर उतरे तो उन्होंने भारतीय टीम को शानदार शुरुआत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहले तो शार्दुल ठाकुर और रविंद्र जडेजा ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं इसके बाद भारतीय टीम के सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की टीम की कमर तोड़ के रख दी। वहीं अंत में उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर ने अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को नेस्तनाबूद कर दिया। एक एक करके जब इंग्लैंड का खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की ओर जा रहा था तो भारतीय टीम के खिलाड़ियों का जोश और उत्साह काफी बढ़ता ही जा रहा था। जैसे कि आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं, भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली जिस तरीके से सेलिब्रेशन करते हुए नजर आ रहे थे उसे देखकर तो मैदान पर मौजूद हर एक भारतीय दर्शक खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वैसे जैसे ही मोहम्मद सिराज ने आखिरी विकेट लेकर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी थी, वहीं भारतीय टीम का हर एक खिलाड़ी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। दोस्तों, टीम का एक ऐसा सेलिब्रेशन करना जायज है क्योंकि भारतीय टीम ने ओवल के मैदान पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। आज इस जीत के बाद हर एक भारतीय नागरिक खुशी से गदगद हो चुका है क्योंकि भारतीय टीम के ऐसे प्रदर्शन को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय टीम एक लंबे समय के बाद इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला जीतेगी। भारतीय टीम की शानदार जीत पर भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग और मोहम्मद कैफ कमेंट्री बॉक्स में नागिन डांस करने लगे और उनके सेलिब्रेशन को देखने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी ज्यादा खिल्ली उड़ाई जा रही है और ये सेलिब्रेशन काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दोस्तों, भारतीय टीम की शानदार जीत को आप 10 में से कितने अंक देना चाहोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।